अंकल मैं ये कुछ सामान लेकर आया हूँ, इसको इसको बेच के ना आप पैसे अच्छे मिल जाएंगे आपको ना। आप यहाँ पे आ जाते हो डेली? खाली रहते हो? खाली क्यों रहते हो आप? आपने हल्का सा हैंडल मारना है, गाड़ी रुकती है, गाड़ी वाले को दिखाओगे लेगा आपसे वो? ले लेगी। ये देखो ये इस पे क्या लिखा हुआ है, इस पे देखो क्या लिखा हुआ है, मैं भीख नहीं मांगता, मैं मेहनत करके कमाता हूँ। क्या नाम अंकल आपका? शुभ जी, क्या करते हो आप? यही है हमारा, कोई काम है नहीं है तो भाई क्या कर सकता हूँ। अच्छा, अशोक प्रसाद है। कब से दिक्कत है अंकल जी? ये करीब 4 साल हो गया जी। दीनदयाल हॉस्पिटल का पर्ची है। अच्छा अच्छा, काजी बनाते हैं जो? जी जी, जो ठीक करते हैं, जो पर्ची बनाते हैं, क्या कहते हैं उसको? हाँ समझ गया अंकल जी। आपसे आप चल नहीं पाते अभी? आप चल ना पाते? चलूंगा ये चलता, चल पकड़ दिखाओ फिर खड़ा होकर दिखा दो। नहीं नहीं अंकल जी, दिक्कत कब से आपको? नहीं नहीं, रहने दो, मत चलो। 4 साल तो हो ही गया होगा। अच्छा अच्छा, तो अंकल जी अब खाना पीना आराम से डेली हो जाता है आपका अच्छे से? बाल बच्चे के सहारे से तो खा ही लेता हूँ, अब जाओगे तो खाऊंगा। ये चूड़ा देखो, बिस्कुट खाते हो बस? हाँ ये खाता हूँ, मेरे पास खाना खाने के लिए रखने की जगह नहीं, घर में ही तो खाऊंगा, यहाँ से इधर खिसक के रख के हटा के पानी रखा तो खाऊंगा। मारे बाप क्या कर सकता हूँ, घर में ही जा कर खाता हूँ, और इधर छुरा लेके फाड़ के चीनी मिला करके तब तो खाता हूँ। बेटा तो कहीं पे आपका एक्सीडेंट हुआ था अंकल? ये नहीं जी, ये अपने आप ही हुआ है, पैरालाइज हो गया था। हाँ अंकल मैं ये कुछ सामान लेकर आया हूँ, इसको इसको बेच के ना आप पैसे अच्छे मिल जाएंगे आपको। ये सामान बेचकर रोजी रोटी कमाएंगे। आप यहाँ पे आके खड़े हो, मेरी बात सुनना, आप यहाँ पे आ जाते हो डेली? खाली रहते हो? खाली क्यों रहते हो आप? आपने हल्का सा हैंडल मारना है, गाड़ी रुकती है, गाड़ी वाले को दिखाओगे लेगा आपसे वो? ले लेगी। ये देखो ये इस पे क्या लिखा हुआ है, इस पे देखो क्या लिखा हुआ है, मैं भीख नहीं मांगता, मैं मेहनत करके कमाता हूँ। ठीक है, समझ गए अंकल? समझ गए। आप एक हैंडल ऐसे घुमाओगे, गाड़ी रेड लाइट पे रुकेगी, सारे ले लेंगे, इसको देख के ले लेंगे। हाँ तो ठीक है, लोग देखेंगे ना इंसान। दे दूंगा। इनका कहना मतलब आप भीख मत मांगो, यहाँ खड़े होकर मांगो। आपको ये रोज देंगे लाके? हाँ ठीक है, फिर ठीक है, आपको रोज लाके देंगे। जैसे डेली लाकर देंगे, डेली खाओ, डेली। नहीं नहीं मैं समझाता हूँ, जैसे ये सामान बिक गया आपका, ये पैसे भैया आपके पड़ोसी है ना, ये हस्ताल मार्केट से दोबारा सामान लिया, यही वही सामान 60 रुपए का 100 रुपए का निकल जाएगा, ऐसा रूटीन बन जाएगा आपका। ठीक है जी, 40 रुपए बच गए एक पीस के अंदर आपको, पैसे भी कमाओगे और आपका टाइम भी निकल जाएगा। लेकिन यहाँ बैठे बैठे परेशान नहीं होगे अकेले? ठीक है, समझ गए ना। और ये जब किसी को दिखाओगे ना, इसमें बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि मैं भीख नहीं मांगता, मैं मेहनत करके कमाता हूँ। ठीक है जी, समझ गए अंकल जी। अब ये भैया के पास जो भी पैसे आएंगे, भैया वही रहते हैं उत्तम नगर में, ये पैसे वही से सामान ला देंगे दोबारा, उसी पैसों से दोबारा कमाना। क्यों अंकल जी? ठीक है, बस सोसाइटी के बाहर खड़े हो जाओगे तभी निकल जाएगा सामान। सही बात कह रहे हो आप। अंकल की बात अच्छी, देखो अंकल मैं डेली यहीं से निकलता हूँ, भैया समझ गए मेरी बात, अगर ये रूटीन बन जाएगा ना आपका तो पैसे कमाने लग जाओगे अच्छे से आप। ठीक है जी, समझ गए। इसको पहले हाथ में पकड़ लो, पर ये सामान कहाँ रखूँ अंकल? यहीं रख दूँ आगे? आगे रख दो। ये 15-20 गाड़ियाँ हैं भैया, 60 रुपए की एक पड़ती है अंकल जी, ये हस्ताल मार्केट में जी। ये 100 रुपए की बेचोगे तब भी निकल जाएगी। ठीक है ना, इसको हाथ में रखना है, इसको सीधा करके रखना, देखो ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे। अच्छा हाथ भी अंकल के काम नहीं करते? अच्छा हाथ भी काम नहीं करते, पैर भी काम नहीं करते? बिजनेस था सब यो, कुल्फी का। अच्छा अच्छा, कुल्फी का बिजनेस था? हाँ हाँ, अंकल जी कुल्फी का बिजनेस था आपका? तो वो मेरे पड़ोसी बगल में रहता है, इस चक्कर में जैसे बॉडी बॉडी अब काम नहीं कर रही तो बंद कर दिया।
देखना सामान कैसे निकलेगा आपका। आओ ठीक है करके देखो ट्राई। चल रहा हां ट्राई करके देखता हूं। आओ आओ ये कार्ड जो कार्ड जरूर हाथ में रखना जब दोगे ना। कार्ड हाथ में रखना है। आ जाओ तो कभी परेशान मत होना अंकल जी, भगवान पे भरोसा रखना, परमात्मा जो करेगा अच्छा करेगा। क्यों भैया कभी रोने की जरूरत नहीं अंकल जी। ठीक है जी, ठीक है ना। गाड़ी को ही अभी देता हूं जा। ठीक है जी, इस्तेमाल करके देखता हूं। ठीक है अंकल जी, ये सामने सोसाइटी है ना, सामने से लोग आएंगे, इसको पढ़ेंगे सामान ले लेंगे। रेड लाइट से बढ़िया, क्योंकि रेड लाइट पे आप उतर सकते नहीं, जा सकते नहीं, परेशान हो जाओगे, तो ये सही है। इसीलिए भाई कहता हूं कि सोसाइटी के आगे लगा रहूंगा वो सही दे। बस 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 पहले तो नमस्कार मेरा, मैं लोगों को ये मैसेज देता हूँ कि भीख ना मांगो, मेहनत करके कमाओ। तो इनको मना मत करना, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। सोसाइटी के बाद क्या होता है, कुछ लोग मना कर देते हैं। तो ये देखो सामने मैसेज लिख देख रहे हो ना आप, कि उस पर लिखा बड़ा बड़ा मैं भीख नहीं मांग रहा, मेहनत करके कमा रहा हूँ। तो ये सामान बेचेंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे, अपना जो लेगा ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मना मत करना बस, आप खड़े रहने देना आप। ठीक है, मैंने गार्ड सबको बोल दिया मना नहीं करेंगे आपको। नहीं नहीं कोई मना नहीं है, बस बस जो सहयोग रहेगा पूरा करूंगा। बस 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 बस। क्यों भैया, काफी दिन से नोटिस कर रहा था, वो अकेले बैठे रहते थे बस स्टैंड के नीचे, उससे बढ़िया ये काम है। नहीं नहीं ठीक है, पूरी मदद करेंगे, जितना इनसे होगा सारी मदद करेंगे अंकल जी। यहीं के अब आकर लगा दूंगा। हाँ हाँ भाई जी, अब जो भी अंकल का सामान बिकेगा ना, यहीं पे अंकल का लगवा देना। अस्पताल मार्केट देखी आपने, वो वहीं से अपना सस्ते रेट में माल मिलेगा, बिक जाएगा। ठीक है, ठीक है, साइड में लगा।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सनी आर्य। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, मैंने जो ये नई मुहिम स्टार्ट करी है और इसमें मेरे को बहुत लाखों नहीं करोड़ों लोगों का प्यार मिल रहा है। लास्ट वीडियो मेरी 90 लाख के आसपास पहुंच गई है, तो ये बेशुमार प्यार है। और ये ऐसे जो मैसेजेस होते हैं इसको वायरल करना ज़रूरी होता है, जिससे कि ये जो मैसेज आगे तक जाए, लोगों को पता लगे और जो लोग हैं वो भी इसी तरीके से मदद करना चालू करें। क्योंकि लास्ट वीडियो में लेडी मेहनत करती रही लेकिन किसी ने सामान नहीं लिया। अगर आप इनका सामान नहीं लेंगे तो इनका मनोबल टूटता चला जाए, कोई सामान नहीं खरीदेगा इनसे, फिर ये भीख मांगना चालू करेंगे। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इनकी मदद करा करें और इनके पास जो भी सामान आप देखते हैं तो सामान खरीद लिया करें। मेरा नीचे इंस्टाग्राम आईडी आ रहा है तहलका प्रैंक, अगर आपने मेरे से बात करनी है तो मेरे को यहाँ पे आके आप मेरे से बात कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।